जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि आप अपनी सिर्फ कुछ आदतों में बदलाव करके अपने जीवन भर हम एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही कुछ बदलाव क्या-क्या करने हैं वो हम जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए एक स्पेशल टिप शेयर करने वाली हूँ। सो यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट विद अनीशा। और अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको मैं डेली हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां अवेलेबल कराती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो बदलाव है वो है हमारा खाने के बारे में। क्यों? क्योंकि हम चाहे हम खुश हैं तब भी हम खाना खाते हैं, हम नाराज हैं तब भी खाते हैं, हम स्ट्रेस में हैं तब भी हम खाते हैं। मतलब हमें सिर्फ बहाना चाहिए और हम हर समय खाना खाते हैं। अगर हम उसमें ही बदलाव कर लें तो हमारी सेहत की सबसे पहली शुरुआत वहीं से होती है। बिल्कुल, आप ये ना सोचिए कि मैं आपका खाना बंद करवाऊंगी या मैं आपको ऐसा बोलने वाली हूँ कि खाना बंद कर दे। नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब भी हम खाना खाएं ना तो अपने जीवन का एक रूल बनाए, एक उसूल बनाए अपने जीवन का कि जितनी आपको भूख है उससे आप थोड़ा सा कम खाएंगे। मीन्स 80% तक का आपका पेट भरा होना चाहिए, 20% का पेट खाली रहेगा। ना कि ऐसा कि हमें भूख है हमारा पेट भर गया फिर भी हम खाते जा रहे हैं। तो सिर्फ इस आदत में आप अपनी में बदलाव कर दिए और आप देखना आपका खाना पीना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, पेट संबंधी आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। और जो भी खाना खा रहे हैं ना उसको चबा चबा के हमें खाना है। सो ये है हमारा पहला बदलाव। जो हमारा दूसरा बदलाव है वो आप सभी लोगों को पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्कआउट हमें करना चाहिए और मैं आपको बहुत बार बोलती भी हूँ, बट फिर भी क्योंकि हम इतना बिजी हैं हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे डेली रूटीन के कामों में कि हमें टाइम नहीं है, हम अलग से एक्सरसाइज का टाइम नहीं दे सकते। तो ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें तब भी आप फिट तो रह सकते हैं ना। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जब भी आप मानो अभी मैं बैठी हूँ और हम सब लोगों का 80% लोगों का आज के दिन स्मार्ट वर्क है और हमारा सिटिंग का काम रहता है, तो हम क्या करते हैं 5-5, 6-6 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं और फिर हम खाना खा के सो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा बदलाव करें कि आप 1 घंटे अपना काम करें, फिर 10 मिनट के लिए उठेंगे, थोड़ा सा वॉक करके आएंगे, फिर 1 घंटे काम करेंगे, फिर 10 मिनट का थोड़ा सा वॉक करेंगे, बीच बीच में पानी आप रेगुलरली पीते रहेंगे। जितना आपसे पॉसिबल हो आप अपने खुद से सारे काम करने की कोशिश करें कि किसी दूसरे इंसान को ना बोले कि आप ये काम करके दो। अपना काम हम खुद से करने की आदतें डालेंगे और जितना हो सके हम एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे हाथ में वो काम हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ये देखना कि ये सिर्फ थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी लेवल हम करेंगे ये आपकी आधा घंटे की एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा काम करने वाला है। जो हमारा तीसरा बदलाव आता है उसको लेके हम सब डर जाते हैं कि कहीं हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम बाहर का खाना खा दें। सेहतमंद रहने का मतलब ये तो नहीं है कि हम बाहर का बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाहर का खा सकते हो, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, पर उसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप बाहर कोई भी अपना फेवरेट फूड खाने जा रहे हैं तो वो पूरी मील आप अकेले ना खत्म करें। बस एक चीज जो मैंने भी खुद ने अपनाई कि उसमें आपका जो भी पार्टनर रहेगा आप 2 जन उस मील को खत्म करें, नहीं तो आप क्या होता है कि मैं वो भी खा लूं और वो भी के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। तो आपको जो भी मील पसंद है, जो भी खाना पसंद है वो खाएं, बस किसी के साथ शेयरिंग कर लें। तो इससे आपका कैलोरी भी कम जाएगा और आपका मन भी भर जाएगा और आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि मैंने बाहर का खाना नहीं खाया। मेरा यकीन माने ये जीवन में सिर्फ 3 बदलाव कर लें, कोई ऐसा है नहीं कि जो सेहतमंद नहीं हो सकता, हम सब हो सकते हैं। मैंने ये बदलाव मेरे जीवन में लाई हूँ और यकीन माने मैंने बहुत सारा मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया है। और लास्ट में जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्पेशल टिप देने वाली हूँ वो है स्माइल, बी हैप्पी। जी हाँ, जीवन जीने का, खुशहाल रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है खुश रहना। कि हम बहुत बार खुद को डिमोटिवेट करते हैं कि मैं सुंदर नहीं दिख रही, मैं फिट नहीं हूं, तो इसलिए हम खुद को डिमोरलाइज करने लग जाते हैं। पर आप अपनी बॉडी से, अपने आप से जैसे आप हैं खुद से प्यार करें और धीरे धीरे डेली कोशिश करें खुद को कुछ अच्छा बनाने की, खुद की सेहत में कुछ थोड़ा ज्यादा बदलाव लाने की,
पर आप जो है उसमें खुश रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।